हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x इक्वल 0। ये हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x इक्वल 0, हमें सिर्फ x की जगह वैल्यू रखनी है, बाकी एज इट इज रहेंगे, चाहे वो साइन है चाहे वो हमारे पास डिजिट है। जैसे 5x की जगह 0 और इसको हम माइनस 4x की पावर 2 है तो 0 की पावर 2 हो जाएगी प्लस 3। अब 0 से हम किसी भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, 0। ये हो गया, 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट यही रहेगी, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें क्या रखना है, x की जगह x इक्वल हमारे पास क्या है, माइनस 1, यानी x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, माइनस वन x की जगह, सिर्फ x की जगह, बाकी एज इट इज़ रहेगा, जैसे भी है, चाहे वो साइन है चाहे वो पावर है चाहे कुछ भी है, एज इट इज़ रहेंगे। अब इसके बाद जैसे माइनस 5 प्लस 4, अब हमारे पास ये क्या है, माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 1। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास इवन पावर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर ओड पावर है तो हमारे पास माइनस माइनस ही रहेगा। अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता, जैसे कई बार बहुत लंबी पावर आ जाती है और हमें मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये ध्यान रखना है, अगर पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर पावर ओड है तो वो रहेगा माइनस। अब ये पावर इवन है 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 5 4 प्लस 3 7। अब माइनस 5 प्लस 7 2, साइन हमेशा ग्रेटर लगेगा। अब हमारे पास 7 ग्रेटर है 5 समाल है, तो कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर का साइन हमारे पास है प्लस का। यह इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास थर्ड पार्ट स्टेटमेंट तो वही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हमें क्या रखना है, x इक्वल 2। अब x की जगह हमें क्या रखना है, 2 माइनस 4 2 पावर 2 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 माइनस 4। अब 2 जा 4, जितनी पावर होती है उसको उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की पावर हमारे पास कितनी है, 2, ये हमारे पास 2 पावर ना, तो इसका हम 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास 2 की पावर 3 होती तो 3 टाइम 2 इंटू 2 ये करते। अब हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 10 5 टू जा 10 माइनस 16 4 4 जा 16 प्लस 3। अब पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 3 30 माइनस 16। अब ये 13 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 3, क्योंकि ग्रेटर कौन सा साइन है, 16 माइनस का, क्योंकि माइनस के आगे कितना है 16, तो इसलिए माइनस 3 आएगा। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं नाइन्थ क्लास में 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीनोमियल्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है P
वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, पी जीरो, यानी वाई की जगह हमें क्या रखना है, जीरो, पी जीरो, वाई की जगह जीरो रखा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ये आ गया हमारे पास वन। अब क्या रखना है, टू, वाई की जगह क्या रखना है, टू, पी वाई, यानी वाई की जगह हमें क्या रखा है, टू, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, वाई इक्वल टू, टू टू जा फोर माइनस टू प्लस वन। अब पहले प्लस वाले को ऐड करेंगे, फोर प्लस वन माइनस टू, फाइव प्लस माइनस टू थ्री। अब हमें y की जगह वन पुट करना है, y p इंटू वन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वन रखेंगे y की जगह, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल आ गया, ये हो गया वन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास पी टी इक्वल टू प्लस टू, सॉरी टी है टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब टी की जगह हमें क्या रखना है, जीरो, टी इक्वल जीरो, पी टी, टी की जगह क्या रखा है, जीरो, टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो टी क्यूब, यानी जीरो की क्यूब। अब टू जीरो, जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो, ये आ गया टू। अब टी की जगह क्या रखना हमें, वन, पी टी इक्वल टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टू प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस टू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब, टू प्लस वन प्लस वन इंटू वन वन माइनस वन इंटू वन इंटू वन वन, टू प्लस वन प्लस टू, टू वन जा टू माइनस वन, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा टू प्लस टू फोर। अब टी की जगह हमें रखना है, टी टी की जगह रखना टू, अब टी की जगह हमें क्या रखना है, टू, ये सेकंड पार्ट है हमारा, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, पी टी, अब टी की जगह क्या रखेंगे, टी इक्वल टू, टी की जगह क्या रखेंगे, टू, पी टू इक्वल टू
प्लस टू प्लस टू टी स्केयर यानि टी स्केयर टी क्या रखना हमने टू टू प्लस ये टी स्केयर माइनस टी क्यूब था ये हो जाएगा अब टू प्लस टू प्लस टू टू स्केयर माइनस टू क्यूब टू प्लस टू प्लस टू इंटू फोर टू टू जा फोर माइनस टू टू जा फोर फोर टू जा एट टू प्लस टू प्लस टू फोर जा एट माइनस एट ये एट से एट कैंसिल या जाए टू प्लस टू फोर और ये सेकंड पार्ट हो गया। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब। अब एक्स चीजेंगे पहले क्या रखना हमें जीरो एक्स इक्वल जीरो पी जीरो जीरो क्यूब ये हो जाएगा पी जीरो जीरो अब हमारे पास पी एक्स इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब एक्स की जगह अब हम पहले एक्स की जगह क्या रखा जीरो अब एक्स की क्या रखेंगे वन एक्स वन पी वन वन क्यूब ये हो जाएगा वन। अब पी इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब अब एक्स की जगह क्या रखना है टू पी टू टू थ्री अब टू इंटू टू इंटू टू एट ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पी एक्स इक्वल एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अब इसमें आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो 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 स्क्वायर माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन। अब सेकेंड पार्ट अब p इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन अब x की जगह क्या रखेंगे वन p वन वन स्क्वायर माइनस वन वन माइनस वन जीरो p x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन अब एक्स की जगह क्या रखेंगे टू एक्स इक्वल टू पी टू टू स्क्वायर माइनस वन टू टू जा फोर माइनस वन थ्री हेलो स्टूडेंट्स मैं शशि बाला मैथ मेंटर मैं आपको नाइन्थ क्लास में 2.2 का थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई वेदर्स द फ्लोइंग द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स इंडिकेट्स एंड अगेंस्ट देम
अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल थ्री एक्स प्लस वन, हमें पुट करना है x की जगह वन माइनस वन बाय थ्री, पी वन माइनस वन बाय थ्री इक्वल थ्री माइनस वन बाय थ्री प्लस वन माइनस थ्री इंटू वन बाय थ्री प्लस वन माइनस प्लस माइनस माइनस, ये थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस प्लस वन जीरो। अब सेकंड पार्ट है, यस अगर हमारे पास ये जीरो के इक्वल आता है तो ये पॉलीनोमियल्स क्या होगी, यस। सेकंड पार्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल फाइव एक्स माइनस पाई, एक्स इक्वल हमें रखना है फोर बाई फाइव, पी फोर बाय फाइव, फाइव इंटू फोर बाय फाइव माइनस पाई, ये फाइव से फाइव कैंसिल, फोर माइनस पाई, अब ये इक्वल जीरो नहीं आया तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। अब है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल वन और माइनस वन, पी एक्स पहले वन पुट करेंगे माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। अब हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह माइनस वन, पी माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस प्लस वन माइनस वन जीरो। अब ये दोनों में क्या आया, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, यस। अब है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास पी एक्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, हमें एक्स इक्वल माइनस वन और टू रखना है, पहले एक्स इक्वल वन माइनस वन रख रहे हैं, एक्स माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन सॉरी माइनस वन माइनस टू, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू माइनस थ्री, तो ये क्या जाएगा, जीरो। अब टू रखेंगे, टू प्लस वन और टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री जीरो, ये क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये भी क्या आ गया, यस। अब है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इंटू इक्वल एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल क्या पुट करना है, पुट हमें जीरो, पी जीरो इक्वल जीरो स्क्वायर, पी जीरो इक्वल जीरो। अब सिक्स्थ पार्ट पी एक्स इक्वल
एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, हमें रखना है एक्स इक्वल माइनस वन और टू। पहले माइनस हम रखते हैं, माइनस वन प्लस वन, वन माइनस प्लस टू, सॉरी सिक्स पार्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल माइनस एम बाय एल, पी माइनस एम बाय एल, एल माइनस एम बाय एल प्लस एम, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम जीरो, ये क्या जाएगा यस, और ये भी क्या आएगा यस, क्योंकि जीरो के इक्वल आ रहा है। अब है सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट में पी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें पुट करना है एक्स इक्वल माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री और टू बाय अंडर रूट थ्री, बी माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री, थ्री माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन। अब वन बाय अंडर रूट थ्री इंटू वन बाय अंडर रूट थ्री, वन इंटू वन अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा थ्री, पी माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री, थ्री इंटू वन बाय थ्री माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, ये क्या आ जाएगा यस, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल आता है तो जो ये है पॉलीनोमियल्स है। अब है एट पार्ट, टू हमारे पास है एट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल वन बाय टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है वन बाय टू, टू इंटू वन बाय टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल हो जाए वन प्लस वन, ये आ जाएगा टू, तो ये क्या हो जाएगा नो, यह हमारा एक पार्ट रहता है, क्या रखना है यहाँ पे इसका सेकेंड सेवन्थ एट का सेकेंड पार्ट हमारे पास है एट्थ का सेकेंड पार्ट, सेवन्थ बी पार्ट, तो हमारे पास सेवन्थ का स्टेटमेंट है पी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें एक्स इक्वल रखना है टू बाय रूट थ्री, थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा टू टू जा फोर बाय थ्री,
माइनस वन, ये आ जाएगा फोर माइनस वन थ्री। अब ये क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो नहीं है। एम शशि बाला मैथमेंटोर, मैं आपको नाइन्थ क्लास में 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। हमारे पास है पी, फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस फाइव किसके, क्या है हमारे पास, फाइंड द, हमें जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल माइनस फाइव, क्योंकि इस फाइव की चेंज साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास, सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो, एक्स इक्वल फाइव। थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो, टू एक्स, अब ये फाइव जीरो के उधर जाएगा यानी साइड चेंज करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, क्योंकि साइड चेंज हो गई तो साइन भी चेंज हो जाएगा। एक्स इक्वल माइनस फाइव बाय टू। फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल थ्री एक्स माइनस टू, पी एक्स इक्वल थ्री एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, थ्री एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू बाय थ्री, क्योंकि साइड चेंज हुई तो साइन भी चेंज हो गया। अब है फिफ्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल थ्री एक्स, थ्री एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो बाय थ्री, तो जीरो। अब है सिक्स्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल ए एक्स, ए एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो बाय ए, एक्स इक्वल जीरो, क्योंकि जीरो के बाय में कोई भी डिजिट हो तो उस डिवाइड करें जीरो को, किसी भी ये वेरिएबल या डिजिट से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब है सेवंथ पार्ट, सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो, सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो, सी एक्स इक्वल माइनस डी, एक्स इक्वल माइनस डी बाय सी। थैंक्स।